रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की 24 के सियासी संग्राम के बीच ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे और इस दौरान अखिलेश ने मुख्तार के परिवार से मुलाकात की। साथ ही योगी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने मुख्तार के साथ अन्याय होने का आरोप लगाया है। मुख्तार के घर अखिलेश का दौरा यूं ही नहीं है, दरअसल अखिलेश की नजर मुख्तार के बहाने पूर्वांचल की सीटों को साधने की है। देखिए रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी। अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है या वोट बैंक की राजनीति। 60 से भी ज्यादा केस, जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह, सियासी गलियारों में भी जिसका चलता था सिक्का, वो था पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी। माफिया की मौत के साथ उसके आतंक और अपराध के अध्याय का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन सियासत में वो अब भी जिंदा है। पूर्वांचल में खौफ का पर्याय मुख्तार भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन उसे श्रद्धांजलि देने के बहाने वोट बैंक मजबूत करने की जद्दोजहद बदस्तूर जारी है। मुख्तार के शहर गाजीपुर से आई ये तस्वीरें इसी की तस्दीक करती हैं। मुख्तार की मौत के तुरंत बाद जिस समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी, उसके मुखिया यानी अखिलेश यादव शोक जताने और परिवार के साथ दुख दर्द बांटने मुख्तार अंसारी के घर भी पहुंच गए। अखिलेश ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी सहित परिवार के हर सदस्य से मुलाकात की। अखिलेश ने मुख्तार फैमिली का दुख दर्द तो बांटा ही, मुख्तार की मौत को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने कहा, परिवार ने जो सवाल उठाए उनकी जांच हो, मुख्तार अंसारी के साथ न्याय हो, मुख्तार मामले की सच्चाई सामने आए। मुख्तार की जो छवि दिखाई वैसी नहीं है। मुख्तार परिवार ने इस देश के लिए योगदान दिया है, सरकार उनके योगदान को छिपा रही है। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। मुख्तार के घर अखिलेश उस वक्त पहुंचे जब लोकसभा चुनाव सिर पर, याद है, इस बहाने उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठाए। हालांकि मुख्तार का परिवार अखिलेश के आने से उनका आभार जता रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। मुख्तार अंसारी का समाजवादी पार्टी से नाता रहा है। मुख्तार के मातम में अखिलेश यूं ही शामिल नहीं हुए, उनकी नजर पूर्वांचल की सीटों पर भी है। अखिलेश की नजर पूर्वांचल की 17% मुस्लिम वोटों पर है। पूर्वांचल में 28 जिले आते हैं जिनमें 83% हिंदू हैं और 17% मुसलमान। इनमें भी ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले 5 जिले हैं। बहराइच में 34% मुसलमान है, श्रावस्ती में यह आंकड़ा 31% है, बलरामपुर में मुस्लिम आबादी 37% है, जबकि सिद्धार्थनगर में 29% और संत कबीर नगर में 23% मुस्लिम है। पूर्वांचल के 6 जिलों की 8 लोकसभा सीटों पर मुख्तार परिवार को वोटों का बड़ा समीकरण तय करने वाला माना जाता था। इनमें गाजीपुर के 2 सीट, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर की 1-1 सीट, जबकि जौनपुर की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। मुख्तार अंसारी परिवार के साथ समाजवादी पार्टी का सियासी कनेक्शन इस बात से समझा जा सकता है कि अखिलेश ने इस बार गाजीपुर से अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि मुख्तार फैमिली से अखिलेश की मुलाकात पर बीजेपी हमलावर है और अखिलेश पर वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगा रही है। अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है या वोट बैंक की राजनीति है, और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टिकरण
नहीं चलेगा। यूपी के बड़े माफिया रहे मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 केस दर्ज थे, इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल। इनमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में बड़ा रसूख था। अब उसकी मौत के बाद अखिलेश की नजर पूर्वांचल की सीटों पर है। वो BJP को मात देने के लिए जीत का हर समीकरण साधने की जुगत में लगे हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।